नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप टेलीग्राम में किस तरह से चैट हो गया, ग्रुप हो गया और चैनल हो गया, उनकी किस तरह से उनको अलग कर सकते हैं उनकी चैट को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ऑल हो गया, पर्सनल हो गया, ग्रुप हो गया या चैनल हो गया। तो इस तरह से ईजिली आप किस तरह से इन सबको अलग कर सकते हो जिससे आपको टेलीग्राम चलाने में आसानी हो। तो उसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी रहती है वह आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे बदल लेता हूँ, मैं दूसरे जो टेलीग्राम अकाउंट है उसकी मैं आपको अलग करके बताऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा अकाउंट है ये वाला, और यहाँ पे देख रहे हो इस तरह का कोई भी ग्रुप नहीं है, न ही कोई अलग से डिफरेंट कर रखा है, सारे एक साथ आ रहे हैं, जो भी चैट है वो सारी एक साथ दिख रही है। तो अब भी मैं इसको अलग करूँगा, अलग करने के लिए बस यहाँ पे जाना और सेटिंग को ओपन कर देना है। सेटिंग को जैसे ही आप ओपन करोगे आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे ओपन करना और यहाँ पर आपको नीचे एक फोल्डर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस तरह का जो फोल्डर वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आप इस तरह के एक दूसरे पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको इंक्लूड चैट या कुछ भी डालना चाहते हो उस पर कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऐड चैट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ से कॉन्टैक्ट ले लिया या जितने जो जो आप ऐड करना चाहते हो उन्हें ऐड कर सकते हो। बस ध्यान रखना है यहाँ से एक सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक किया या नीचे जो शो कर रहा है उसके बाद इसे सेव कर देना है। बहुत सारे एक साथ नहीं होगा तो एक एक करके आपको इन सभी को सेव कर लेना है जो आपको अलग से ग्रुप बनाना है, जिसका जैसे ग्रुप हो गया, चैट का ग्रुप अलग हो गया, चैनल के ग्रुप का अलग हो गया। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट चैट करने के लिए बस आपको एक एक सेलेक्ट करके इन सभी को राइट पे क्लिक करके इन्हें सेव करते रहना है। यहाँ पे देखो मैंने अभी कर दिया, नॉन कॉन्टैक्ट हो गया, ग्रुप हो गया, चैनल हो गया, और उसके अलावा और भी चीज़ें जो ऐड कर सकते हो जैसे पर्सनल हो गया, अनरीड हो गया, तो उन्हें भी आप इजीली यहाँ से जो कर सकते हो, बस आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और सेव करना है। इस तरह से आप इन सभी को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने काफ़ी चैनल और बाकी चीज़ें ऐड कर दी यहाँ पे देख रहे हो अभी, और उसके अलावा यदि आप किसी को रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव चैट पे जाके उसे रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखो सभी चीज़ें ऐड कर ली, जैसे बोर्ड, चैनल, ग्रुप, नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, इन सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर लिया। और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कंप्लीट हो चुका है, बस आपको इसे सेव कर देना है। उसके बाद आपका जो आप जैसे जाओगे यहाँ पे आपके सारे ग्रुप अलग हो गए, पर्सनल अलग हो गए, अनरीड अलग हो गए, कॉन्टैक्ट अलग हो गए, यहाँ पे चैनल भी अलग हो गए। तो इस तरह से जो आप इजीली इन सभी को अलग कर सकते हो। उसके बाद यदि कोई ग्रुप आपको हटाना है, जैसे कोई चैनल हो गया या कॉन्टैक्ट उसे हटाना है, तो आपको फिर से थ्री लाइन में जाके वहाँ से रिमूव चैट पे जाना है। वहाँ पे आपको सेटिंग में जाके यहाँ पे चैट फोल्डर को ओपन करना और यहाँ पे रिमूव कर देना है जिसे आप उसे डिलीट करना चाहते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।